शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भक्ति काव्य की रसधारा में आपने कई कवियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। इन कवियों में एक विशिष्ट नारी व्यक्तित्व भी शामिल है, जिसका नाम है मीराबाई। यह विचित्र संयोग है कि न तो मीराबाई के काव्य में उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी मिलती है और न ही किसी अन्य स्रोत से। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 15वीं या 16वीं शती में जन्मी मीरा का मायका मेड़ता में था तथा ससुराल मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही माता ने श्री गिरधर की मूर्ति को उनका पति बता दिया था, तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी और उनके विवाह के बाद भी यह क्रम चलता रहा। मीरा निर्भीक, साहसी और दृढ़ विचारों वाली थी। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, किंतु वे कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में से किसी में भी विधिवत दीक्षित नहीं थी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। उन्हें वे प्राय गिरधर, सांवरा या प्रीतम के नाम से पुकारती हैं। उनके समूचे काव्य में इस प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम के मिलन और विरह दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। यह अभिव्यक्ति अत्यंत सीधे सरल रूप में हुई, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना विद्यमान है। आज के इस कार्यक्रम में हम मीराबाई के कुछ पदों पर चर्चा करेंगे और मीराबाई के इन पदों के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में भी जानेंगे। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप पदों के सौंदर्य स्थलों का उल्लेख कर सकेंगे, मीराबाई के काव्य के भाव पक्ष पर टिप्पणी कर सकेंगे, मीरा की समर्पण भाव की भक्ति का स्पष्टीकरण कर सकेंगे, मीरा की विरह वेदना पर टिप्पणी कर सकेंगे, मीरा के जीवन के कटु अनुभवों का उल्लेख कर सकेंगे और मीरा की काव्यात्मक अभिव्यक्ति पर भी टिप्पणी कर सकेंगे। आइए अब हम मीराबाई की पदावली से उद्धृत उनके कुछ पदों का आनंद लेते हैं। अभी आप उनका पहला पद सुनेंगे। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैण पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैण दिनावा के संग खेलूं, ज्योत्यु वाही लुभाऊं, जो पहरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। शिक्षार्थियों, आपने यह पद सुना। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति तथा समर्पण भाव दिखाई देता है। समर्पण भी भक्ति के विभिन्न रूपों में से एक है। अपने आराध्य के इशारे पर उठने बैठने, उसकी इच्छा अनुसार ही रहने तथा उस पर सर्वस्व न्योछावर कर देने के माध्यम से मीरा ने इस समर्पण भाव को व्यक्त किया है। मीरा कहती हैं कि मैं तो गिरधर के घर जाती हूँ, वही मेरा सच्चा प्रियतम है और मैं उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हूँ, अर्थात कृष्ण के परम सौंदर्य ने मेरे मन में दर्शन का लोभ उत्पन्न कर दिया है, अतः
मैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसके घर जाती हूँ। रात होते ही मैं उसके घर जाने के लिए तत्पर हो जाती हूँ तथा प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठ आती हूँ। मैं रात दिन उसके साथ खेलती हूँ तथा हर प्रकार से उसे रिझाने तथा प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हूँ। अब वह मुझे जो भी पहनाए मैं वही पहनूंगी तथा जो कुछ खाने को दे वही खा लूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपनी इच्छा अनिच्छा रुचि अरुचि सभी से मुक्त होकर पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया है। मीरा इसी भाव को और स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि मेरी और उनकी अर्थात श्री कृष्ण की प्रीति बहुत पुरानी है और उनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहाँ चाहे मैं वहीं बैठ जाऊँगी और यदि वह मुझे बेचना भी चाहे तो मैं सहर्ष बिक जाऊँगी। मीरा कहती हैं कि गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं तथा मैं बार बार उन पर न्योछावर होती हूँ। शिक्षार्थियों, आपने महसूस किया होगा कि इस पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पण भावना व्यक्त हुई है। समर्पण प्रेम और भक्ति का अनिवार्य अंग है। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा अनिच्छा रुचि अरुचि मान अपमान आदि से मुक्त होकर प्रिय या आराध्य के आदेश या इच्छा के अनुसार व्यवहार करना अर्थात स्व या मैं की भावना से मुक्त हो जाना। चलिए अब हम मीरा का अगला पद सुनते हैं। मायरी मालिया गोविंदा मोर, मायरी मालिया गोविंदा मोर, थे कया छाड़े माँ का चोड़े, लिया बजंता ढोल, थे कया मुहादो माँ खयो सस तो, लिया रित राजा तो, तणवारा महा जीवन वीरा, वारा अमोलक मोर, मीरा को प्रभु दर्शन दीजा, पूरब जन्म को कोर, मायरी मालिया गोविंद मोर, मायरी मालिया गोविंद मोर। शिक्षार्थियों, आपने मीराबाई का यह दूसरा पद सुना। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है। यद्यपि यहाँ उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के साथ का भी संकेत है। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपकर रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें खुलेआम अपना लिया है। आशय यह है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती हैं कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तोल कर किया है अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है अर्थात जिस प्रकार से लोक अपवाद हो रहे हैं, कुल संबंधियों से मिलने वाली जो भर्त्सना है और लांछना है, वह सब तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है पर मेरी दृष्टि में कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में यह बहुत कम है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्योछावर कर दिया है अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी कृष्ण के प्रेम संबंध पर स्वयं न्योछावर हूँ। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था मूल्य के रूप में कृष्ण पर न्योछावर कर दिया है। आगे मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती हैं। आपने ध्यान दिया होगा शिक्षार्थियों
कि इस पद्म की अंतिम पंक्ति में दर्शन की अभिलाषा है। भक्ति और प्रेम में यह अभिलाषा निरंतर बनी रहती है। समूचे भक्ति साहित्य में ऐसी बहुत सी उक्तियाँ हमें मिलती हैं। अगर आप इस पद की पहली तीन पंक्तियों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके समक्ष यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें लोक प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है। ये मुहावरे हैं, मोल लेना, ढोल बजा कर लेना, तराजू से तोल कर लेना। शिक्षार्थियों, आइए अब हम मीराबाई का अगला पद सुनते हैं। सखी म्हारी नींद न साड़ी हो, सखी म्हारी नींद न साड़ी हो, पीरो पंथ निहारत सब रैण बिहाड़ी हो, पीरो पंथ निहारत सब रैण बिहाड़ी हो, सखियन सब मिल सीख दयामण एक न मानी हो, बिन देखिया कल ना पड़ा मन रोसना ठानी हो, अंग खीण व्याकुल भयामुख पिय पिय बाणी हो, अंतर वेदन बिरहरि मारी पीड़ना जानी हो, जूचा तक घड़कुर रटे मछरी जो पानी हो, मीरा व्याकुल बिरहणी सुध बुध बिसरानी हो, सखी मारी नींद न साड़ी हो, सखी भारी नींद न साड़ी हो। शिक्षार्थियों, इस पद में भी मीरा ने विरह की वेदना को भी व्यक्त किया है। विरहणी की नींद उड़ जाना तथा प्रियतम के बिना किसी भांति चैन न पड़ना, इस भाव को मीरा ने अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मीरा कहती हैं कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है, प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई है। हालांकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, पर मेरे मन ने उनकी एक न मानी और मैंने कृष्ण से यह संबंध जोड़ ही लिया। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता और बेचैनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है, उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक बादल की ओर एक टक दृष्टि लगाए रहता है और मछली पानी के बिना रह नहीं पाती, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम के लिए, श्री कृष्ण के लिए तड़पती हूँ। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हूँ और इस व्याकुलता में मैं अपनी सुध-बुध भी खो बैठी हूँ। शिक्षार्थियों, काव्य में कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो वास्तविक रूप से सत्य न भी हों पर एक मान्यता के रूप में कायम हैं। इन्हें हम कवि सत्य कहते हैं। ऐसी ही एक मान्यता यह है कि चातक नामक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाली बूंद को पीकर ही प्यास बुझाता है, अन्य किसी प्रकार के जल को वह ग्रहण नहीं करता, भले ही प्यास से उसके प्राण निकल जाएं। इसीलिए भक्ति और प्रेम की एकाग्रता तथा अनन्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए कवियों को चातक भाव सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। भक्ति काव्य में चातक भाव की विशेष प्रतिष्ठा है। इसके लिए हम दो उदाहरण देख सकते हैं। जैसे जायसी ने भी कहा है कि चातक होई पुकारो पियासा, पीऊ न पानी सेवाती की आसा। और तुलसीदास ने कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। इस प्रकार से भक्ति काव्य में चातक भाव की प्रतिष्ठा की गई है। उसी प्रकार से यहाँ इस पद में भी
मीराबाई ने चातक के माध्यम से अपनी विरह को व्यक्त किया है। तो शिक्षार्थियों, आपने मीराबाई के पदों को सुना, समझा और उनका आनंद भी लिया। इन पदों में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को खो बैठी हैं। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती हैं कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती हैं। जब वे समर्पित हैं तो उनका उठना, बैठना, सोना, जागना, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना तथा उनका मान अपमान, राग द्वेष, सभी कुछ कृष्ण के लिए है। फिर चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास कर देती हैं और किसी की चिंता नहीं करती। प्रेम के मिलन की पुलक, उत्साह और आनंद तथा विरह की पीड़ा, व्याकुलता और वेदना, सभी भावों की उन्होंने अत्यंत सुंदर, सहज और सटीक अभिव्यक्ति की है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं, कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गी परंपरा में। मीरा में भी कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है तो कभी सूफी काव्य परंपरा से भाव साम्य भी देखा जा सकता है। पर सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी विशिष्ट छाप छोड़ती हैं। काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्राय गीति काव्य में ही व्यक्त होती है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व हैं भावानुभूति, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा शैली की कोमलता। मीरा ने न तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि तथा बिंब, प्रतीक, अप्रस्तुत योजना, अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है और न ही वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती हैं। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती हैं। उनका शिल्पगत सौंदर्य उनकी भावानुभूति की तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण करता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने मीराबाई पदावली में 15 प्रकार के छंदों तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अत्युक्ति, उदाहरण, विभावना, स्वभावोक्ति, अर्थांतर न्यास, श्लेष, वीप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा की भाषा की बात करें तो उनकी भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। मीरा की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज है तथा सरल अभिव्यक्ति उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की मीराबाई के कुछ पदों की। आइए संक्षेप में हम दोहरा लें कि आज हमने क्या सीखा। मीरा का काव्य किसी बंधी बंधाई काव्य परंपरा में नहीं आता। मीरा के पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीरा के काव्य का विषय है श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति। मीरा ने प्रेम के मिलन अर्थात संयोग तथा विरह अर्थात वियोग दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में मीरा किसी भी प्रकार की बाधा या यातना से विकल नहीं होती। लोक का भय अथवा परिवार की प्रताड़ना दोनों का ही वे दृढ़ता के साथ सामना करती हैं। गीति काव्य की दृष्टि से मीरा के काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे इस क्षेत्र में मध्यकालीन काव्य में सबसे अलग, सबसे विशिष्ट दिखाई पड़ती हैं। मीरा की रचनाएँ विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं तथा उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज है तथा सरल अभिव्यक्ति उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। तो शिक्षार्थियों, इस प्रकार आज हमने चर्चा की मीराबाई के पदों की, उनके भाव सौंदर्य की, उनके काव्य सौंदर्य की। मैं आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और इससे आपको मीराबाई के पदों के बारे में भी स्पष्टता से दृष्टि मिली होगी। धन्यवाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हों, उस परेड को स्वयं देखें। दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबका? दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए।
समस्याओं का इलाज चाहे सिर्फ हमारे पास NIOS NIOS। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। एनआईओएस के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सके। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं, और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से पास से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास थे? दूर थे? पास ये ऐसे ऐसे हैं? आपको बोला आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने जहां गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई जगह पे खेली है, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊँचा तक ले जाएँ और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। मैं हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। बाहो लाला थतुल मोला ते ते नानी कनो हलक आई है टुक टुक ते एम। वी सॉ द रिपब्लिक डे परेड एंड द फाइटर प्लेन्स एंड असम एंड ऑल द झाकियाज एंड इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्रिलियंट। या इवन या Prime Minister, we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman office we have visited and we've met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए। कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं। NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग।